ओके फोर्थ नंबर पे जो मिस्टेक आती है वो है एडिशन ऑफ अ लेटर, हर्फ को ऐड कर देना. एडिंग ऑफ अ लेटर क्या है ये एडिशन? ये एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर एक हर्फ तशदीद के साथ नहीं है, आप उसे तशदीद के साथ पढ़ लें, या एंडिंग्स में स्ट्रेच करना. जैसे फॉर एग्जांपल हम अल-फातिहा की मिसाल लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अब माशाल्लाह आप सबको अल-फातिहा याद है, आपको फील हो गया होगा कि मैंने क्या मिस्टेक किया. मैं क्या कह रही हूँ? अल्हम्दुलिल्लाहि, हालांकि ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि. दो जो है उसको सिर्फ वन हरका पढ़ना है. जब आप उसे वन हरका से ज्यादा पढ़ते हैं, यानी अगर आप उसे टू हरका पढ़े हैं, इसका मतलब है आपने दाल के बाद वाव लगा दिया. जैसे उर्दू में मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ. हम एक वर्ड बोलते हैं रॉग, राग, उर्दू में बोलते हैं ना राग और रग. रग कहते हैं जो हमारी वेन्स होती है ना, उसको कहते हैं रगे, रग. और राग कहते हैं सुरों को जो म्यूजिक के अंदर इस्तेमाल होते हैं. अब बीच में अलिफ का डिफरेंस है, राग एंड रग, ठीक है? अब अगर ये अलिफ का डिफरेंस आप खत्म कर देते हैं, दिस इज एक्चुअली डिलीशन ऑफ अ लेटर. या अगर आप रग है, रग है, उसको आप राग की तरह बोल रहे हैं, तो आप एडिशन ऑफ अ लेटर करें. तो अलहमदु नहीं कह सकते आप, वाव ऐड करें. लिल्लाही नहीं कह सकते क्योंकि आपने या ऐड कर दिया. या वाज़न्ट देयर, अब वो लिखा हुआ नहीं था, वर्ड के ओरिजिन में नहीं है, इसलिए आप वहां नहीं पढ़ सकते. अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी एक सिंपल लेटर को या तो तशदीद दे दी जाए, उससे भी लेटर डबल हो जाता है, और या फिर हर्फ को इस तरह से एंडिंग में ऐड कर दिया जाए. एंडिंग में ना, अमूमन लोग एंडिंग में ऐड करते हैं, बीच में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यानी बीच में भी इस तरह की एडिशन हो सकती है. जैसे इय्याका नअबूदु, अब नअबू जो है इसको स्ट्रेच करना, ये एडिशन है क्योंकि नअबू नहीं है, नअबूदु. बा जो है वो क्विक है, बा को दो हरकत पढ़ेंगे तो एडिशन ऑफ अ लेटर हो जाएगी. डिलीशन ऑफ अ लेटर, और ये एडिशन भी ना मानी के ऊपर चेंज करती है. जैसे मैंने अभी आपको मखरज की एग्जांपल दी ना, इसमें आप ये एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे हम जब कहते हैं वला तक्रबा, तो हम इसका मतलब होता है और तुम करीब मत जाओ, ठीक है? डोंट गो नियर. अगर आप कहते हैं वला तक्रबा, बा को लंबा कर देते हैं, इसका मतलब है, इसका मतलब होता है तुम दोनों करीब मत जाओ. तो यानी ये डिफरेंस आ जाता है. अब आप देखें दोनों की बात हो रही है और एक की बात हो रही है ना, इसलिए ये जो है ये भी समटाइम्स मानी के अंदर चेंज करता है. अच्छा, फिर इसके बाद है डिलीशन ऑफ अ लेटर. डिलीशन ऑफ लेटर में क्या होता है? एक तो अगर तशदीद है और उसे ना पढ़ा जाए, हाँ, ये डिलीशन हो जाती है. जैसे रब्बिल आलमीन, और अगर हम इसे पढ़े रब्बिल आलमीन, जल्दी कर दे और तशदीद अच्छी ना वाजे हो. आपने देखा होगा कि जब आप इस्ताजा या बसमल्ला पढ़ते हैं तो मैं आपको कहती हूँ कि रॉ को टाइम दे, यानी अर-रहमान. क्यों कहती हूँ? इसीलिए ताकि हमारी डिलीशन ऑफ अ लेटर ना हो, यानी अर-रहमान. आप उसे अच्छा टाइम देंगे तो वो साकिन और फिर हरकत दो लेटर्स महसूस होंगे. अब यहाँ पर दो रॉज हैं, अगर आप इसे जल्दी पढ़ते हैं अर-रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह बाज लोग पढ़ते हैं. अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका, आपके दोनों रॉज प्रोमिनेंट नहीं होंगे और ये डिलीशन ऑफ अ लेटर हो जाएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
तो आप इसे थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिलीशन ऑफ अ लेटर वर्ड के अंदर भी मौजूद हो सकती है कि आप जो है जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी ना वला तकरब की, अगर आप कहते हैं वला तकरब, आपने लाम के बाद कालिफ डिलीट कर दिया, वला तकरब या वला वला तकरबा, अब ये जो है ये आपने डिलीशन कर दिया। अब क्या हो रहा है मानी के अंदर चेंज क्या हो रहा है, वला तकरब एंड वला तकरब, इसका मतलब है तुम मत करीब जाओ, वला तकरब। अगर हम कहते हैं वला तकरब, इसका मतलब है और जरूर तुम करीब जाओ, ला जो है वो ताकीदन फिर आ जाता है, वला तकरब और जाओ जरूर जाओ करीब। तो ये जो है ये फिर इस तरह से मानी के अंदर चेंज आने लग जाता है, ये बहुत प्रोमिनेंट मिस्टेक हो जाती है। यानी इसको आम टीचर भी निकाल सकते हैं, एक आम तजवीद का जो उस्ताद है वो भी निकाल सकता है, और ये जो मिस्टेक्स हैं ये मानी के ऊपर अमूमन असरअंदाज होती है। सेकेंड जो लेवल है वो है लहन खफी का, खफी से वर्ड यानी आप वाकिफ ही होंगे, खफी छुपा हुआ, मख्फी जैसे वर्ड होता है ना, मख्फी, खफी छुपा हुआ, ये मिस्टेक्स हैं जो छुपी हुई हैं, बहुत प्रोमिनेंट नहीं होती। इसके लिए ये वही टीचर्स निकाल सकते हैं मिस्टेक्स जो तजवीद को अच्छे से सीखे हुए भी हो और उनके इसमें प्रैक्टिस भी हो। यानी अगर आप सिर्फ सीखे हुए हैं मगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की हुई तो फिर भी आप इन मिस्टेक्स को नहीं निकाल सकते। यानी प्रोफेशनल होना इन तजवीद की मिस्टेक्स को निकालने के लिए जरूरी है। लहन खफी के अंदर कौन सी मिस्टेक्स आती है, इसको हम दो लेवल्स में डिवाइड करते हैं, एक आप ये कहें लेवल वन और दूसरा होता है लेवल टू। लेवल टू बहुत ही ज्यादा छुपी हुई मिस्टेक्स होती है और लेवल वन के लिए कम महारत भी चल जाती है, लेकिन लेवल टू के लिए बहुत ज्यादा ऑडिबिलिटी का स्ट्रांग होना जरूरी है। अच्छा, लेवल वन के अंदर कौन सी मिस्टेक्स आती है, इसके अंदर है जैसे मे बी आप वाकिफ हो नून साकिन के रूल्स को छोड़ देना, जैसे इदगाम है तो इदगाम ना करें, इख्फा है तो इख्फा ना करें। बाज़ औक़ात आप देखें हम थोड़ा लंबा गुना करते हैं, इन्नल्लज़ीना, अगर ये लंबा गुना ना किया जाए इन्नल्लज़ीना यूं पढ़ा जाए। इसी तरह से बड़ी मत जो है, बड़ी वाली मत जो है यानी अस्सुफ़हाउ, इसको कम करना, या अय्युहा, बड़ी मत को कम करना। यानी एक तो है अहकामात को अप्लाई ना करना, अहकामात यानी अब ये किसी के भी हो सकते हैं, नून साकिन के ऊपर भी हुक्म अप्लाई होते हैं, लाम के ऊपर भी हुक्म अप्लाई होते हैं, मीम के ऊपर भी हुक्म अप्लाई होते हैं, मगर आप वो नहीं करें। नहीं, कहीं मर्ज करना है तो वो नहीं करे, कहीं हाइट करना है वो नहीं करे, प्रोमिनेंट करना है वो नहीं करे। फिर इसी तरह से जो लॉन्गर मदूद है उनको पूरा ना करना, नंबर थ्री यानी गुन्ना की जो टाइमिंग्स मैंने बताई वो भी अच्छे से पूरी ना करना, नंबर फोर रिदम नहीं है रीडिंग में, कहीं दिल चाह रहा है तो चार तक खींच के लंबा करें, कहीं दिल चाह रहा है तो छह करें, कहीं दिल चाह रहा है तो दो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ आगे चल के हम पढ़ेंगे कि रिदम को कैसे मेंटेन करते हैं मदूद के अंदर इंशाल्लाह। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, अब आपने देखा कि जो एंडिंग्स है वो इक्वल है, अगर हम यूं पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, ये रिदम नहीं, ठीक है, यानी इससे मुराद ये है कि रिदम को मेंटेन करना। अब हम देखते हैं लहन खफी लेवल टू, इसके अंदर सफात की मिस्टेक्स आ जाती है। मे बी आपने
ब्रीदिंग के दौरान ये चीज सुनी हो कि हम जैसे कहते हैं ना लेटर के अंदर एयर ब्लो करें और ना करें, यानी ये चीज आ जाती है जैसे ज़ाल में एयर नहीं है तो आप अऊज़ू यूं नहीं पढ़ सकते, यानी आप यूं नहीं पढ़ सकते अऊज़ू यूं नहीं पढ़ सकते, एयर नहीं है उसके अंदर. बाज लेटर्स में एयर नहीं है उसमें एयर नहीं ब्लो करनी, बाज में है उसमें ब्लो करें. और रॉ के अंदर यानी बहुत ज्यादा हम एक्सेसिव रिपीटेशन वाली साउंड नहीं दे सकते, यानी अर 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 यूं बहुत रिपीटेशन वाली साउंड नहीं दे सकते. ठीक है, नेचुरल साउंड होनी चाहिए इसकी भी, वंस और ट्वाइस. फिर इसी तरह से बास साउंड जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, बास थोड़ी कमजोर होती हैं, वीक होती हैं, सॉफ्टनेस होती है उनमें, तो सॉफ्ट साउंड को सॉफ्टली बोला जाए और जो स्ट्रांग साउंड है उनको थोड़ा शिद्दत के साथ बोला जाए. ठीक है, यानी जैसे बा बा तो इसको जरा स्ट्रांग करके बोलेंगे. यानी ये इंशाल्लाह हम जब सफात पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगी, लेकिन सफात के जो मिस्टेक्स हैं वो फिर हम इसके अंदर शामिल करते हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा ना मैं आपको कहती हूँ फी हा, इसके अंदर एरी साउंड होनी चाहिए, दिस इज सफत. फी हा आप यूं भी बोल रहे हैं तो वो मखरज तो उसका ठीक है, आवाज भी प्रोमिनेंट है, लेटर में भी कोई चेंज नहीं है, लहन जली नहीं है, लेकिन इसकी साउंड क्या है, फी नॉट टी, ये साउंड आनी चाहिए. तो ये सफत के मिस्टेक है. फिर इसके अंदर एक और मिस्टेक आती है, बस इसमें दो ही टाइप्स आ रही है हमारे पास. इसके अंदर जो मिस्टेक और आ रही है वो ये कि इत्माम हरका, इसको हम कहेंगे इत्माम हरका, हरकत की कंप्लीशन ना होना. यानी अब इससे क्या मुराद है, जैसे समीउ वर्ड है, इसको पढ़े समीउ समीउ मे नहीं समीउ, पूरी तरह से सर्कल उ के लिए, मी के लिए बहुत शार्प साउंड समीउ. अगर हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दो लिल, ये इनकम्प्लीशन है, दो नहीं दो, अल्हम्दु ली लिल्लाह, शार्पनेस एंड कसरा एंड कंप्लीशन ऑफ दम्मा, दम्मा को इन बिटवीन फतहा एंड दम्मा पढ़ा जाए, कसरा को इन बिटवीन कसरा एंड फतहा पढ़ा जाए. ये होती है जैसे इन्नहुम, अमूमन इसे पढ़ते इन्नहुम, हुम हो नहीं, हो इज वेरी वीक साउंड ऑफ दम्मा. ठीक है, फिर इसी तरह से जो मैं सफात की बात कहती ना, इसमें एक और चीज भी है जैसे हैवी लाइफ जो होते ना, ये भी सफत ही आ जाती है. पहले हमने जो बात की ना उसमें ये वाला पॉइंट मुझे याद नहीं रहा, हैवी लाइट जो होते हैं जैसे कौला, इसको आप पढ़े काला, मैं मोटा नहीं किया, यानी अल्लाह आप इसे पढ़े अल्लाह, तो ये भी सफत के मस्ते आ जाएगी.